नमस्कार, स्वागत है आपका नाते टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है भोपाल से। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में पहला लॉकडाउन है आज। इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, अस्पताल मेडिकल स्टोर को अनुमति रहेगी, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। बिना कारण घर से निकले तो गिरफ्तारी की जाएगी। सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए सख्ती रहेगी। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सड़कों पर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। परीक्षार्थी एडमिट कार्ड दिखाकर सेंटर तक आ जा सकेंगे। भोपाल से एक खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज लॉकडाउन लगाया गया है। एक दिन का ये लॉकडाउन है। हर रविवार जो है लॉकडाउन लगाया जाएगा। इन तीनों शहरों में कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं और इसी को देखते हुए लॉकडाउन लगाने का, एक दिन के लॉकडाउन का ये फैसला लिया गया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन लगाया है आज। कोरोना की दूसरी लहर में पहला लॉकडाउन है आज। इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, अस्पताल मेडिकल स्टोर को अनुमति रहेगी, लेकिन बाकी सभी कुछ बंद रहेगा। दूध और किराने की दुकानें भी जो हैं वो भी बंद रहेंगी। बिना कारण घर से नहीं निकल सकते और अगर बिना कारण घर से निकले तो गिरफ्तारी होगी। सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए सख्ती रहेगी। ड्रोन से निगरानी, सड़कों पर तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी, लेकिन जो परीक्षार्थी हैं वो एडमिट कार्ड दिखाकर सेंटर तक आ जा सकते हैं। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर में रविवार को टोटल लॉकडाउन लगाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। वैभव जी, आज जो तीन शहरों में लॉकडाउन है, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर का ये पहला लॉकडाउन है आज। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण तेजी से पूरे मध्य प्रदेश तक फैलता जा रहा है, उस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा था कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो चौंकाने वाली है। जिसके बाद आनंद फानंद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आगामी आदेश तक हर रविवार लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। तो आज भी कोरोना की दूसरी लहर का पहला लॉकडाउन है। इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, अस्पताल मेडिकल खुले रहेंगे, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। यदि कोई बिना कारण घर से बाहर निकलता है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। सुबह 6 बजे तक शहर के लिए 128 पॉइंट पर बैरिकेडिंग की गई है। पूरे शहर की ड्रोन से निगरानी की जा रही। सड़कों पर 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। हालांकि परीक्षाएं भी हैं क्योंकि पहले से ही शेड्यूल थी, तो जो एडमिट कार्ड होता है उसको दिखाकर परीक्षार्थी सेंटर पर जा सकेंगे। वहीं जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट, उनको संक्रमितों को अलग से परीक्षा देने की व्यवस्था भी की गई है। तो जिला प्रशासन इस बार बेहद सख्त है। 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी शहर की सड़कों पर नजर आएंगे। कई बार हमने देखा था पिछली बार भी कि कई लोग केवल घूमने भर के लिए घर से बाहर निकल जाते थे और तमाम तरह के बहाने पुलिसकर्मियों को बताते थे कि कई बार कहते थे स्टेशन जाना है, हॉस्पिटल जाना है, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज या कोई कागज नहीं होता था। तो ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज की मदद करना नहीं चाहते, जो जिला प्रशासन की मदद करना नहीं चाहते, उन लोगों को सीधे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा अगर वो बिना किसी कारण के शहर की सड़कों पर घूमते हुए नजर आए तो। जी वैभव जी, जिस तरीके से जो है आज लॉकडाउन लगाया गया, इससे पहले नाइट कर्फ्यू, लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं लोगों की लापरवाही निरंतर जारी है और इसी का नतीजा है कि पहले नाइट कर्फ्यू और अब लॉकडाउन। हाँ बिल्कुल, पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया रविवार का, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और ये बेहद गंभीर कर देने वाली बात है कि एक बार जब भोपाल में कोरोना पर हम लोग काबू पा सके थे, जिला प्रशासन के द्वारा भी कोशिशें की जा रही थी, लेकिन उसके बाद फिर कोरोना ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर है जिसके चलते पूरे ही मध्य प्रदेश में कहें तो तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन भोपाल, इंदौर इसके साथ ही महाराष्ट्र की सीमा से जो लगे हुए जिले हैं वहां पर तेजी से कोरोना फैल रहा है। तो फिलहाल लोगों को समझना होगा कोरोना अभी क्या नहीं है,
कोरोना अभी है, हालांकि वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करना, और तभी हम लोग सब मिलकर कोरोना को मात दे पाएंगे। जी बाबू जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल लोगों को समझना होगा, जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन से एक दिन पहले भी बहुत बड़ी संख्या में कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं, संक्रमित मरीज मिले हैं, तो लगातार कोरोना के केसेस में प्रतिदिन बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, और इसी को देखते हुए प्रशासन और शासन प्रशासन बहुत सख्त हो गया है, और पहले नाइट कर्फ्यू और अब आज एक दिन का रविवार का लॉकडाउन 3 शहरों में लगाया गया है।